आप इस दुनिया को जिस नजरों से देखेंगे, ये दुनिया वैसे ही दिखाई देगी। अगर आप अच्छा देखते हैं और अच्छा सोचते हैं तो आपको उतनी ही अच्छी दिखाई देगी। यानी वास्तव में ये दुनिया बुरी नहीं है, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। इसलिए जो लोग दुनिया को अच्छा बनाना चाहते हैं, पहले खुद को बदलना होगा। यदि आप बदल गए तो निश्चय ही दुनिया भी बदल जाएगी। बस जरूरत है एक कोशिश और एक पहल की। आइए इसी सोच पर आधारित एक कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था। उसके राज्य में सभी सुखी थे, सभी प्रजा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे, जिसकी चर्चा राज्य के मंत्री राजा से अक्सर किया करते, जिसे सुनकर राजा खुद को बहुत गौरवान महसूस करता। लेकिन एक दिन राजा के मन में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं अपनी प्रजा को सुखपूर्वक जीवन यापन का खुद से निरीक्षण करूं। इसी विचार के साथ राजा ने खुद मंत्री के साथ पैदल ही राज भ्रमण पर निकल गए। प्रजा के लोगों से उसके सुखमय जीवन का हालचाल लेने लगे। फिर लोगों से हालचाल लेने के बाद नगर के कई स्थानों पर घूमने के पश्चात वापस महल लौट आए और पैदल भ्रमण के पश्चात राजा काफी थक गए। लेकिन पैदल घूमने के कारण राजा के पैरों में असहनीय दर्द होने लगा और छाले भी पड़ गए, जिसकी शिकायत अपने मंत्रियों से की और कहा, नगर के लोग खुशहाल तो हैं, लेकिन नगर की सड़कें काफी कठोर और पथरीली हैं, जिसके कारण मुझे जब इतना कष्ट हो रहा है तो मेरी प्रजा को कितना कष्ट होता होगा। सड़कों पर पैदल चलना दुर्भर है। इन सब बातों का ख्याल रखते हुए राजा ने आदेश दिया कि नगर के पूरे सड़कों को चमड़ों के कवर से ढक दिया जाए, ताकि लोगों को चलने में परेशानी ना हो। राजा के इस फरमान को सुनकर सभी मंत्री चिंतित हो गए और सड़क को चमड़ों से ढकने के लिए ना जाने कितने निहत्थे प्राणियों की हत्या करना पड़ा और अकारण बहुत पैसा भी व्यर्थ हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि राजा के आदेश का किया क्या जाए। लेकिन उन मंत्रियों में से एक बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, हे राजन, यदि राज्य के पूरे नगरों को चमड़ों से ढकने के बजाय यदि हम अपने पैरों में जूते पहनकर चले तो कोई भी कंकड़ हमारे पैरों को चुभ नहीं सकता, और यदि ऐसा ही चाहते हैं तो पूरे प्रजा को चमड़े की एक एक जोड़ी जूते ही भेंट दे। इस बुद्धिमान व्यक्ति के सुझाव से आश्चर्यचकित था राजा। राजा को समझ आ गया था कि गलती उसी की है। यदि वह अपने पैरों में जूते पहनकर चलता तो उसके पैरों में कंकड़ नहीं चुभते, और इस तरह इस दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना आवश्यक है। और फिर राजा ने उस मंत्री की सलाह की खूब सराहना की और पूरे प्रजा में सबको एक एक जोड़ी जूते भी विवरण किया। इस दुनिया को बदलने से पहले हमें खुद बदलना चाहिए। यदि हम अपनी गलतियां सुधार लें तो खुद ही खुद दुनिया सुधर जाएगी। इसलिए दुनिया को नहीं, हमें खुद को एक अच्छी सोच के साथ बदलने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।